दोस्तों अमिताभ बच्चन की एक्शन कॉमेडी फिल्म मिस्टर नटवरलाल को आज 40 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों 8 जून 1979 को रिलीज हुई इस फिल्म में बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी अमिताभ और रेखा एक साथ नजर आए थे। अमिताभ के करियर में ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इसी के बाद दोस्तों बिग बी बच्चों के भी फेवरेट बन गए। दरअसल दोस्तों फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बच्चों के साथ में एक गाना गाया था। ये गाना दोस्तों काफी हिट हुआ था। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था जबकि संगीतकार राजेश रोशन ने संगीत दिया था। दोस्तों फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे। खास बात तो दोस्तों ये थी कि इसमें पहली बार अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में गाना गाया। दोस्तों अमिताभ बच्चन के लिए पहली बार फिल्म में गाना आसान काम नहीं था। इसका जिक्र उन्होंने अपने एक ब्लॉग में भी किया था। अमिताभ ने लिखा कि मुझे अचानक खबर दी गई कि पहली बार मुझे अपने ही बैकग्राउंड गाने मेरे पास आओ को गाना है। इस प्रस्ताव से डरकर मैंने फिल्म के डायरेक्टर और संगीतकार से घंटों बहस की। उनसे मैंने कहा कि ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। आखिरकार दोस्तों बाद में अमिताभ बच्चन मान गए और महबूब स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया। इसी फिल्म का एक और गाना परदेश से अभी काफी पॉपुलर हुआ था जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अमिताभ और रेखा के अलावा कादर खान और अमजद खान की भी मुख्य भूमिका थी। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है कि मिस्टर नटवरलाल के बाद ही अमिताभ और रेखा के अफेयर की चर्चा शुरू हो गई। दोनों की आखिरी फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला थी। इसके बाद दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया।